अब आपके शहर अम में आ गई है डायमंड स्वीट्स एंड फास्ट फूड की दूसरी ब्रांच, जहां पर हर प्रकार की देसी घी की स्पेशल मिठाइयां, बेकरी आइटम्स, कैफे डे की कॉफी, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फास्ट फूड उपलब्ध है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, होम डिलीवरी सराउंडिंग 5 किलोमीटर। डायमंड स्वीट्स की मिठाइयां, समोसे, जलेबी के अलावा बेसन भी लाजवाब है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ऊना रोड अम और डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट नंदपुर चौक। ऊना शहर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 4 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। ये बात छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने वार्ड नंबर 10 में 1 लाख लीटर पानी के टैंक के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। पूजा अर्चना के साथ टैंक निर्माण का कार्य शुरू किया गया। श्री सत्ती ने कहा कि ऊना शहर के कुछ वार्डों में पेयजल समस्या रहती है, जिसे दूर करने के लिए वार्ड नंबर 10, 11 व 1 और बस अड्डा के समीप पानी के टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 10 में अक्सर पेयजल समस्या रहती थी, जिसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड 10 में 25 लाख रुपए की लागत से 1 लाख लीटर क्षमता वाले पानी के टैंक का निर्माण किया जा रहा है। ऊना शहर में ही 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। ऊना शहर के अंदर कई बार कुछ वार्डों में पीने के पानी की समस्या आ जाती है। कुछ एक वार्डों में ठीक है, लेकिन वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 1 का फ्रेंड्स कॉलोनी और नए बस अड्डे के साथ ऐसे कुछ एरिए हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या आती है। उस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों ने शहर के अंदर 4 बड़े वार्ड बनाए हैं। एक नीला घाट में वार्ड नंबर 11 में, एक जो अभी शिलान्यास हमने किया वार्ड नंबर 10 में, और इसी तरह से नए बस अड्डे के पास हम लोग आने वाले टाइम में नया वाटर टैंक बनाने का टेंडर हो गया, उसका शुभारंभ करेंगे और फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भी वाटर टैंक बनेंगे। ऐसे 4 बड़े वाटर टैंक बन जाएँ ताकि ये जो टेल एंड पे घर पड़ते हैं हमारे शहर के अंतिम शोरों के ऊपर घर पड़ते हैं, उनके लिए पानी पीने की समस्या ना हो। तो उसके नाते कर रहे हैं, इन सारे जितने भी 4 वाटर टैंक बन रहे हैं और इसके लिए जो भी रिग लगे हैं, इनको मिलाकर के, कुल मिलाकर के मैं ऐसा आइडिया लगा रहा था कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया इन सारे कामों के ऊपर लगेगा।